अगर बात करेंगे फ्रंट के ग्राफिक की, यहाँ पे जो ग्राफिक कंपनी प्रोवाइड करती थी वो भी नहीं है यहाँ पे, वो रिमूव कर दिए गए, पूरी ब्लैक का टच दे दिया यहाँ पे, बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। अभी मैं हूँ रोड साइड पे, तो भाई थोड़ा सा ना आसपास जो है इर्द गिर्द मेरे बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रहा है, तो जो भी आवाज आए भाई उसको अवॉइड करना। फिलहाल ये वीडियो बना रहा हूँ मैं सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे। ये लगा लो कि इतने डीएम आ रहे थे कि भाई नई वाली जो स्प्लेंडर नया कलर जो लॉन्च करा हीरो ने, पूरा ब्लैक जो मतलब लॉन्च करा है, उसका रिव्यू करो, उसका रिव्यू करो। तो भाई देखो मैं जाता हूँ, ज़्यादातर वीडियोस बनाता हूँ मैं एआरसी मोटर की बनाता हूँ हीरो की, तो वहाँ पे अभी ये वाला कलर अवेलेबल नहीं था। सो अभी मैंने मनीष में आ रखा था, तो एक कस्टमर है भाई वो सिंगला मोटर से, मतलब सिंगला ही है ना, हाँ सिंगला से गाड़ी लेके आए यहाँ पे डायरेक्ट स्मोक कराने। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए कि हाँ भाई इसमें ये चेंजेस हुए हैं और आपको को दिखाया जाए, ठीक है। तो अभी मैं आपको फटाफट से बाइक इंट्रोड्यूस कराता हूँ, दिखाता हूँ उसमें क्या क्या चेंजेस हुए वन बाय वन। तो भाई मतलब बिल्कुल भी मतलब स्किप मत करना, फुल मजेदार वीडियो होने वाली है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, छोटी वीडियो करूँगा क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनानी है। तो फटाफट से चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई देखो ये रही वो मतलब जो समझ लो स्पेशल स्प्लेंडर बोलूँगा उसको, फुल ऑन ब्लैक। और भाई यहाँ पे मनी भाई कपड़ा दियो जरा, छोटू अरमान कपड़ा ले गया। तो ये देखो भाई पूरी की पूरी जो बाइक है एकदम ब्रांड न्यू है, अभी टोटली चली है अराउंड 10 किलोमीटर मतलब शोरूम से मंदिर और मंदिर से हमारे पास, समझ लो यहाँ पे आइए, दिखा बेटा दिखा। तो भाई देखो मैं फिलहाल यहाँ कपड़ा आगे दिखाता हूँ, एकदम वो चमक एकदम फुल ऑन, ये टीका लगा हुआ ये तो हटाएंगे नहीं, और भाई एकदम क्लीन हो रखी गाड़ी साफ सुथरी। तो अभी फिलहाल मनीष कपड़ा पकड़ी भाई, अभी बात करते हैं इसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं, क्या क्या हीरो ने चेंजेस करे। एक तो फुल ऑन ब्लैक कलर दे दिया, फुल ऑन ग्लॉसी ब्लैक, ब्लैक और मैट का जो टच दिया है ना इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त टच दिया है, मज़ा आ गया देख के। कहीं ना कहीं बात करेंगे लुक इसका इन्हेंस ही हुआ है, मतलब मैं देख रहा हूँ अब जैसे कि जितने भी स्प्लेंडर यूज़र हैं पुराने वाले तो वो क्या करेंगे पूरी ब्लैक ग्लॉसी करा लेंगे, है ना मनीष, ऐसी कर सकते हैं हम मनीष। इसकी ना फोटो लस निकाल के ना जो लोगो बना हुआ ना एच का, एच का लोगो कंप्लीट है हमें निकाल मतलब बना के रखी हो, ठीक है। तो भाई अगर आपको सेम यही लुक करवाना है तो मैट ब्लैक पेंट हो जाएगा अपने पास आराम से, और अपने पास पेंट भी हो जाएगा सेम। अगर आपको ये लुक चाहिए तो ये लुक मनीष वन पे हो जाएगा, इसका खर्चा जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। फिलहाल इस बाइक के अंदर हम रिव्यू कर रहे हैं इस बाइक का, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एक तो से ग्राफिक रिमूव कर दिए गए, बहुत ज्यादा सिंपल एंड स्लीक ग्राफिक यूज करा गया इसके अंदर हीरो का। ये सिल्वर है गाइस, थोड़ा सिल्वर रेडियम टाइप बोलूंगा, मतलब कुछ हल्का सा ना रिफ्लेक्शन कर रहा है, काफी अच्छा मतलब क्वालिटी का स्टीकर है, मतलब कंपनी ने काफी अच्छा यूज किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली मेरा अपना ओपिनियन है, ये स्टीकर अगर यहाँ की बजाय थोड़ा सा यहाँ होता तो ज्यादा बेटर लगता, बट कोई बात नहीं भाई, कुछ ना कुछ सोच के निकाला होगा भाई जो हीरो के जो वो है क्या नाम है एक्सपर्ट है, उन्होंने कभी सोच के निकाला होगा। बाकी अगर इसकी बात करें मोनोग्राम की तो सेम वैसी रखा गया है, एक i3 की बैजिंग मिल रही है यहाँ पे जो कि इसमें टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, ठीक है ना। और बाकी इसके अंदर चेंजेस जो हुए हैं वो हैं व्हील्स और आपका इंजन। तो पहले व्हील्स की बात कर लेते हैं, व्हील्स जो है गाइस पूरे के पूरे मैट है, मैट थोड़े से ग्रेइश है, मतलब फुल ऑन मतलब ब्लैक नहीं है, हल्के के ग्रे कलर के हैं ये, जैसे कि हंक वगैरह CB8 एक्सट्रीम वगैरह में जो कलर यूज होता है सेम वही यूज किया गया है। बात करेंगे टेलीस्पोक की जो शॉकर्स हैं, इसके जो कवर है ये वाले, मतलब इसमें शॉकर अप एंड डाउन हो रही है रॉड, ये इसमें भी जो है ना मतलब थोड़ा शैम्पेन कलर आता था पहले वाले में, ग्रे कलर आता था, बट इसकी जगह आप यहाँ पे ग्रेश कलर कर दिए हैं, ठीक है ना। सो अगर बात करेंगे फ्रंट के ग्राफिक की, यहाँ पे जो ग्राफिक कंपनी प्रोवाइड करती थी वो भी नहीं है यहाँ पे, वो रिमूव कर दिए गए, पूरी ब्लैक का टच दे दिया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इंजन की, जैसे ही सबको पता है कि ये सिल्वर आता था हेड और ये थोड़ा सा ग्रेश आता था, तो ये भी पूरा ब्लैक कर दिया गया। इसमें भी डुअल टोन कलर निकाला है, ये फुल ऑन ब्लैक है, देख सकते हैं यहाँ पे जस्टिस हो रहा होगा, और ये ग्रेइश है जो कि अलॉय व्हील मिल रहा है हमारे को, ठीक है ना। तो इसके साथ में टच मिल जाता है इस पे, हाँ मेटल है ये भी गाइस, वरना इन्हें CD डीलक्स आई थिंक HF डीलक्स उसके अंदर ये फाइबर का लग गया है अब, ठीक है ना। और पूरी जो बॉडी देख सकते हैं आप ऐसी है, साड़ी गार्ड तो ब्लैक आता था वो तो कोई बात नहीं है, बाकी और तो कोई चेंजेस ऐसे मुझे दिखाई दे नहीं रही है। एग्जॉस्ट वही मिल रहा है जो BS6 में आ रहा है, और भाई कोई भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर। बाइक एथलेटिक कन्वर्टर का जो कवर था वो भी ग्रेश है, वो पहले हमारे वैली में आ रखा है अपनी जो BS6 जो खुशी है उसके अंदर। और बाकी बात करेंगे मीटर की, तो मीटर कंसोल भी कुछ ऐसा देखने में मिलता है जो नॉर्मल BS6 में आ रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। ये हमारा जो है इंजन का हो गया, इसमें मतलब ये FI सिस्टम होता है, ये बंद हो जाएगा। कभी भी आपकी चलती गाड़ी में कुछ दिक्कत आती है सेंसर वगैरह में तो ये लाइट ब्लिंक करेगी, इसका मतलब आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है, और बंद है तो समझ लो ओके, ठीक है ना। बाकी साइड इंडिकेटर मिल रहा है हमारे को साइड स्टैंड का, i3 टेक्नोलॉजी मिल रही है, जैसे ये है भी गाड़ी ऑन है बटन, यहाँ पे थोड़ी देर में क्या होगा बाइक बंद हो जाएगी और क्लच दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, 10 किलोमीटर चली है। और बाकी इसका जो रेट है वो अभी मैं अंदर भैया हैं दुकान पे उनसे पता करूंगा कि भाई कितने की पड़ी और क्या हिसाब किताब है, ठीक है ना। तो गाइस अपने साथ जुड़ चुके भैया, भैया पहले तो एक बार हाथ मिलाओ, कैसे हो आप? बढ़िया। अच्छा नाम बताओ फिर ऑडियंस। जितेंद्र। तो भैया आपने जो लिए ये स्पेशल एडिशन बोलूंगा इसको मैं, बिल्कुल नया कलर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल रहे थे, एक तो ग्राफिक वाला मिल रहा था और एक नॉन ग्राफिक। नहीं ये नॉन ग्राफिक ही था।
ग्राफिक एक जिसमें टंकी पे आ रहा है ना ग्राफिक बना रहा है, तो दोनों मॉडल थे ना वहाँ पे, आपने यही सिलेक्ट किया, मतलब ज्यादा बेटर लगा था आपको? मेरे को ये मेन चीज है, सिंपल ज्यादा, अच्छा सिंपल ज्यादा अच्छी लगती है। तो भैया एक बार हमें ऑडियंस बताओ कितने की पड़ी आपको ये बाइक? ये 77 की पड़ी ऑन रोड कैश में। और आपने अभी ये कैश में लिए फाइनेंस कराई है? कैश में लिए। तो गाइस भैया ने 77 की कैश में लिए बाइक, और इसके जो ग्राफिक है इसमें ग्राफिक बिल्कुल रिमूव कर दिए गए, कहीं ना कहीं इसका लुक जो है इनहेंस हो गया ग्राफिक रिमूव करने की वजह से। तो ये लुक जो है मुझे ही पर्सनली पसंद आया है बहुत ज्यादा। और भैया अभी चला के लेके आओ तो कुछ मतलब कैसा रिव्यू है आपको, मतलब कैसा है वो एक्सपीरियंस चलाने का? गाड़ी साइलेंट चल रही है, बढ़िया स्मूथ चल रही है काफी, ठीक है। माइलेज कितनी चाहिए कंपनी वालों ने? माइलेज तो उन्होंने वही बताइए 70-75 बताई ना। तो गाइस भैया को जो बताइए वो एक्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, 65 प्लस हाईवे पे मैंने भी लिए, और बाकी बहुत जल्दी अपनी BS6 की मैं भी वीडियो बनाने वाला हूँ माइलेज की, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत सारे DMs आ रहे थे, बहुत कमेंट्स आते थे वीडियो के लिए कि भैया जो स्पेशल कलर आया उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो भैया ने सिंगला मोटर से लेना अपने? सिंगला ये कहाँ पे भैया? मेहरौली बदरपुर रोड। अच्छा अच्छा ये इधर वाला। तो गाइज ये बदरपुर से टच में पलातपुर पड़ता है, वहां से भाई ने लिए, और जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ जिस शोरूम की वो है ARC वो ओखला में, तो वहाँ पे अभी ये वाला कलर अवेलेबल नहीं था, वरना मैं ये शोरूम में जाके बनाता वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे आ रखा था और भैया लेके आया, मैं तो खुश हो गया, मैंने चलो ठीक है आप लोगों के लिए यार एक जो एक कमेंट कर रखा था मैं बनाऊंगा, तो वीडियो फाइनली लिया हूँ, मतलब आप लोगों के लिए मैं बना दी वीडियो मैंने। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो इसकी रैप के ऊपर होने वाली है, रैप कौन सी कराने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, बाकी मैं आपको दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यह रिव्यू अच्छा लगा होगा। बाकी देखो चलने चलाने में सेम वैसी जैसे अपनी खुशी है, इंजन में कोई चेंजेस नहीं करें। बाकी देखो लुक देखो यार कितनी जहर लग रही है, मतलब मेरा खुद दिल आ गया कि अपनी खुशी का रंग ऐसा करा लूँ, लेकिन इसका नहीं कराऊंगा मैं, किसी को करा लूँगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको ऐसी करानी हो तो आप करा सकते हो मनीष वन पे, ज़्यादा मोटा लंबा खर्चा नहीं आने वाला है। मतलब अगर मैं मोटा मोटा आपको एक हिंट दे दूँ छोटी सी, तो ये लगा लो आपका 1000 रुपये का तो रैप हो जाएगा मान लो ग्लॉसी, ठीक है, और पेंट मान लो 1000, मतलब 2000 रुपये के अंदर गाड़ी आपकी ऐसी होने वाली है गाइस, ऐसी होने वाली है। सोचो बिल्कुल नया मॉडल लिमिटेड एडिशन है यार एक तरह से भाई, तो ये करा सकते हो अपनी बाइक के अंदर। और बाकी ये वीडियो कैसी लगी बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, आपका ही कमेंट सेक्शन है और चैनल भी एक तरह से आपका ही है भाई, आपसे ही हमें हमसे ही आप हो। तो भाई अभी भैया से मैंने आपको रेट पता करवाया कि कितने की पड़ रही कितने की नहीं पड़ रही आपको पता चल चुका है। तो इसी नोट पे वीडियो को मैं एंड करूंगा, अच्छी लगी वीडियो को तो लाइक कर देना, बुरी लगी तो डिसलाइक करना, बट रीज़न जरूर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलना भाई, ठीक है। ऐसी कैडी कैडी वीडियो मैं लाता रहूँगा बढ़िया बढ़िया आप लोगों के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, स्मूथ रैप जो भी टेप होने वाली है वो थोड़ा सरप्राइज है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।